सुबह के 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज देश की सर्वोच्च अदालत ये तय करेगी कि संजय दत्त को सरेंडर करने के लिए 6 महीने और वक्त दिया जाए या फिर नहीं। हालांकि मंगलवार को इस पर फैसला होना था, लेकिन मामले की सुनवाई टल गई। मुन्ना भाई की बेचैनी और बढ़ी, राहत की मोहलत पर टली सुनवाई। कोर्ट में सुनवाई का टलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन संजय दत्त के लिए एक दिन की सुनवाई का टलना बड़ी बात है। संजय दत्त ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि उन्हें सरेंडर करने के लिए 6 महीने का मौका और दिया जाए। बुधवार की सुबह 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट उनकी अर्जी पर सुनवाई करेगा। मुन्ना भाई को आर्म्स एक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 18 अप्रैल तक सरेंडर करने का आदेश दिया था। 18 तक संजय दत्त को सरेंडर करना है और अब 17 अप्रैल को उनकी अपील पर सुनवाई होनी है। ऐसे में संजू बाबा के लिए एक एक पल का इंतजार आसान नहीं होगा। अगर कोर्ट संजू बाबा की अपील स्वीकार कर लेता है तो ये बड़ी राहत होगी, लेकिन अगर अपील खारिज होती है तो संजय दत्त को अगले दिन सरेंडर करना होगा। ऐसे में महज एक दिन में फिल्मों से लेकर तमाम पारिवारिक जिम्मेदारियों से 3.5 साल के लिए अलग होने का मन बनाना आसान नहीं होगा। संजय दत्त ने पहले कहा था कि वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा के भीतर सरेंडर करेंगे, लेकिन बाद में संजय दत्त का इरादा बदल गया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर अपनी लंबित फिल्मों का हवाला देते हुए कहा कि अगर उन्हें 6 महीने का वक्त मिलता है तो इससे सैकड़ों लोगों का भला होगा और वो लंबित फिल्मों को भी पूरा कर पाएंगे। मगर फिलहाल मुझे लगता है ये हमारा अधिकार है कि हम वर्कर्स और प्रोड्यूसर्स के साइड पर होकर ये मांग करें हुकूमत से कि इन्हें बाहर रहने दिया जाए जब तक इनकी फिल्में कंप्लीट ना हो। मुन्ना भाई को मुंबई बम धमाके मामले से जुड़े केस में 5 साल की सजा मिली थी। अवैध हथियार रखने के आरोप में वो 1.5 साल की सजा पहले ही जेल में गुजार चुके हैं और बाकी के 3.5 साल उन्हें सलाखों के पीछे गुजारने हैं। पहले संजू बाबा को भरोसा था कि वे अपनी अधूरी फिल्मों की शूटिंग रात दिन एक करके पूरी कर लेंगे, लेकिन काम का बोझ इतना ज्यादा था कि वक्त की छोटी मियाद बहुत कम पड़ गई। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संजय दत्त की अपील कबूल होती है या नहीं। दिल्ली से आशीष सिन्हा के साथ अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज़।